हाय गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त पवन। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज हम फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में कोई दिक्कत है, परेशानी, तो वीडियो को आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करना। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर बड़ा डेटा है दोस्तों, तो भी आप वहाँ फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं छोटे डेटा पर फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करूँगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं फिल्टर ऑप्शन होता क्या है। फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग दोस्तों हम अपने टेबल के अंदर किसी भी चीज़ को छांट सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हम चले सीखते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे फिल्टर ऑप्शन को लगाने के लिए यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे डाटा टाइप में। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप फिल्टर इस पर क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों हमारे टेबल के अंदर फिल्टर लग चुका है। ठीक है, अब आपको दोस्तों अपने हेडिंग के स्वरूप आपको फिल्टर करना चाहते हैं, किस हेडिंग के स्वरूप। हम चाहते हैं कि नेम बाई नेम फिल्टर करना चाहते हैं आप, डिस्ट बाई डिस्ट, डिस्ट बाई डिस्ट आप जो दोस्तों फिल्टर कर सकते हैं। तो हम चलिए सबसे पहले नेम बाय से नेम से हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर से पवन वाले जितने नाम वाले व्यक्ति हैं उनका लिस्ट शो करें और इसके अलावा किसी का लिस्ट जो है नहीं शो करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते इस पर क्लिक करेंगे और पवन वाले को हम दोस्तों यहाँ से अलावा सभी को हम चेक करेंगे यहाँ से, और सिर्फ पवन वाले को हम चेक रहने देंगे और यहाँ से करेंगे। तो पवन वाले जितने भी दोस्त नाम वाले व्यक्ति रहेंगे यहाँ से सभी की लिस्ट शो करेगी, इसके अलावा किसी की लिस्ट नहीं शो करेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों आप इसको जो है कि हटाना चाहते हैं, ऑल करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओके करेंगे, सभी की लिस्ट यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगी। अब इसके अलावा आप चाहते हैं दोस्तों कि विजय वाले जितने भी नाम के व्यक्ति हैं दोस्तों यहाँ पर उनकी लिस्ट हो, तो आप इस पर क्लिक करिए और विजय वाले को यहाँ से चेक रहने देंगे और सभी को अनचेक करेंगे इस तरह से, और यहाँ से वो करिए। देखिए विजय वाले जितने व्यक्ति हैं यहाँ से सभी की लिस्ट शो कर रही है और इसके अलावा किसी की लिस्ट नहीं शो कर रही। यहाँ फिर जाएंगे दोस्तों और यहाँ से करेंगे सेलेक्ट ऑल। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखिए हम यहाँ सेलेक्ट ऑल करते हैं, इसके बाद ओके करते हैं सभी के लिए। अब इसके बाद एक और सवाल दोस्तों, हम चाहते हैं इस टेबल के अंदर कि देवेंद्र और यानी पवन और दोस्तों यहाँ पर विजय दो नाम वाले के जो व्यक्ति हैं इनकी लिस्ट शो करें, मतलब पवन व्यक्ति के और एक विजय वाले व्यक्ति, ये दोनों के जो है कि नाम वाले जितने व्यक्ति हैं और जो है कि उनकी लिस्ट शो करें यहाँ पर और इसके अलावा किसी के नहीं। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं विजय को चेक करने दूंगा और पवन को और सभी को चेक करके यहाँ से करता हूँ दोस्तों। तो पवन वाले और दोस्तों यहाँ विजय वाले व्यक्ति जितने भी हैं नाम के यहाँ पर उसकी लिस्ट शो कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है कि डिस्ट बाय डिस्ट आप यहाँ से भी फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करके यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ, सभी की लिस्ट प्रदर्शित करा लेता हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ से मैं डिस्ट बाय डिस्ट में फिल्टर करना चाहता हूँ, तो आप डिस्ट बाय डिस्ट यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं आप चाहते हैं। अब इसमें सवाल करता हूँ दोस्तों कि अगर मैं मऊ जिले के जितने भी व्यक्ति हैं सभी की लिस्ट शो करें, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मऊ जिले को चेक कर दूंगा और यहाँ से सभी को चेक करके वो करता हूँ दोस्तों। अब जितने भी मऊ जिले के व्यक्ति हैं सभी की लिस्ट शो कर रही है और इसके अलावा किसी की नहीं शो कर रही। इसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल करता हूँ और वो करता है सभी की लिस्ट प्रदर्शित कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों आप चाहे तो अपने पोस्ट बाई पोस्ट यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि अगर आदमी वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसकी लिस्ट शो करे, उसके अलावा उनकी लिस्ट न शो करें, तो आप यहाँ से पोस्ट बाई पोस्ट यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना है दोस्तों यहाँ से आर्मी को चेक रखना है और सभी को चेक करके यहाँ से वोट करना है। तो मैं आप लोग करके दिखाई देता हूँ, ये देखिए वो करता हूँ। देखिए आर्मी वाले जितने भी पोस्ट के हैं सभी व्यक्ति यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसके बाद दोस्तों उसकी लिस्ट हो रही है, इसके बाद किसी की नहीं। तो मैं सेलेक्ट करके वो करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर आप एजुकेशन बाई एजुकेशन जो है कि फिल्टर करना चाहते हैं, एजुकेशन बाई एजुकेशन आप फिल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि 10 वाले जितने भी एजुकेशन के व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट शो करें, इसके अलावा किसी की ना शो करें, तो इस पर जाइए और यहाँ पर 10th पर क्लिक कर दे चेक रहने दीजिए और यहाँ से सभी को चेक करिए और करिए।
ये देखिए टेंट वाले जितने व्यक्ति हैं आप उनकी लिस्ट शो करिए, इसके अलावा उनकी लिस्ट नहीं शो करिए, यहाँ सेलेक्ट और करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे, सभी व्यक्ति का लिस्ट शो करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा है दोस्तों और उसमें आपको कोई चीज खोजने में जो कि ज़्यादा समय लगता है सर्च करने में, तो फिल्टर ऑप्शन का आप प्रयोग करिए। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी आपके लिए लाभदायक हुई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।